नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके? और आप सबको गुड मॉर्निंग। तीन वैकेंसी बताऊंगा और इनमें से एक वैकेंसी जज की है, वो नोटिफाई हुई है। कहाँ पे नोटिफाई हुई है वो भी बता दूंगा। और एक वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, एक वैकेंसी बैंक में। बैंक वाले की कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा, शायद लास्ट डेट कल ही है, तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म फिल कर देना। और अभी एमपी में भी जज वो आया, ऑर्डर जो क्वालिफिकेशन थी उस पर जजमेंट आ गया। अगर आपने वीडियो ने देखा तो जाके देख लो, काफी बड़ा जजमेंट है, ऑर्डर है, 160 170 पन्नों का है। आपको शॉर्ट में 8 मिनट में पता चल जाएगा कि उस ऑर्डर में क्या हुआ है, क्योंकि अब यही एलिजिबिलिटी चलेगी फ्यूचर में। जितनी भी एमपी सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी आएगी उस पर यही सारी चीजें अप्लाई होंगी। तो वीडियो देख लो, इंपॉर्टेंट है जो एमपी जुडिशरी की तैयारी करते हैं। और एमपी जुडिशरी की वैकेंसी नई कभी भी आ सकती है, नई वैकेंसी नोटिफाई भी होंगी इलेक्शन के बाद, आपको देखने को मिलेगा, नई वैकेंसी नोटिफाई भी हो सकती है। तो चैनल से बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब रख ले, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसी का। ये बैंक में लिख ली है, विकास बैंक है, 2024 का रिक्रूटमेंट है। और इसमें लिखा हुआ है साफ, एक वेबसाइट में, नेसेसरी फी बिफोर 19 अप्रैल 2024। ठीक है, अब इसमें कितनी वैकेंसी है? लॉ ऑफिसर की एक वैकेंसी है और मैक्सिमम एज 35 है, एज रिलैक्सेशन है इसमें, और लॉ की डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 5 साल का मांगा है इसमें, हैंडलिंग इन बैंक रिकवरी सिविल केस, वर्किंग एक्सपीरियंस लॉ फर्म विद सीनियर एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, और एक्सपीरियंस इन अदर सिविल मैटर हैंडलिंग, डीआरटी केस, पंचायत केस, आर्बिट्रेशन, ये सारी चीजें रहेंगी इसमें। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस कब से काउंट होता है? रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि एमपी में 6 ऑर्डर को हटा दिया गया है, अब वो दूसरा प्रूफ मांगेंगे। तो दूसरा प्रूफ जो एमपी में हुआ है, हर जगह आप एक्सपीरियंस कैसे बताओगे किसी को, कि कैसे प्रूफ दोगे? रजिस्ट्रेशन से काउंट होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, सीओपी लगता है, और मेंबरशिप लग सकता है, कोर्ट की सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट की मेंबरशिप वो लग जाती है। तो रजिस्ट्रेशन करवा लो, ये रही पहली वैकेंसी। दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं। दूसरी वैकेंसी आई है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिख ली है। इसकी डेट बता देता हूँ मैं आपको, 13/4/2024 से चालू है, 12/5/2024, अगले महीने की 12 तारीख है, अभी टाइम है आपके पास। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.vocport.government.in, और ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉगिन इसमें लिखा हुआ है, आईबीपीएस ऑनलाइन आईबीपीएस.in पे जाके आप कर सकते हो। दो ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है। आगे चलते हैं, इसमें कितनी वैकेंसी है? इसमें लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आई है, इसमें भी एक है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ये एक्सपीरियंस नहीं मांगा इसमें, फ्रेशर की जॉब है, एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। एक वैकेंसी है और डिग्री इन लॉ नीचे, चाहिए 3 साल वाली करी हो चाहे 5 साल वाली करी हो आपने, 2 साल का एक्सपीरियंस इन लीगल एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री कमर्शियल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ये डिजायरेबल है, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने एलएलएम एलएलएम कर रखी हो, ये भी डिजायरेबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एज क्या है? इसमें मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 30 है। इसमें डेट भी दे रखी है, 1/4/1994 से 1/4/2006, इसके बीच में आपका वो होना चाहिए बॉन। और एज रिलैक्सेशन इसमें लिखा हुआ, इन एनी केस इफ एनी एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी अप्लाई पोस्ट अंडर अदर, मतलब जनरल कैटेगरी से, देन ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन ऑफ एज। अगर क्योंकि जनरल की वैकेंसी है तो रिजर्व कैटेगरी वालों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, इसमें साफ साफ मेंशन है, लिखा हुआ है, नोट आप पढ़ लेना, बाकी और चीजें भी लिखी हुई है। अब इसमें पैटर्न बता रखा है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, स्ट्रक्चर बता रखा है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, लॉ वाले का पढ़ लेते हैं अपन। लॉ ऑफिसर ग्रेड 1, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे 20, मैक्सिमम मार्क्स 20 रहेंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 20 रहेंगे, एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 20 रहेंगे, सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेंगे, सब्जेक्ट नॉलेज का डिस्क्रिप्टिव भी होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, और 92 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट का तो वो होगा जो ऑब्जेक्टिव है, और डिस्क्रिप्टिव होगा 30 मिनट का, 120 मिनट का होगा टोटल पेपर, बाकी अपना पेपर है नहीं। अपन लॉ की बात करते हैं, लॉ वाला मैंने आपको बता दिया, और जो सेलेक्ट हो जाएगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा हुआ है कि इंटरव्यू होगा आपका, फीस बता देता हूँ आपको, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप और ओसीपीए लिखा हुआ है, अदर मेजर पोर्ट अथॉरिटी एम्प्लॉइज उनके लिए 100 रुपए है प्लस जीएसटी, और अदर्स के लिए 475 है प्लस जीएसटी, 18% जीएसटी लगेगा। और एग्जाम सेंटर भी बता रखा है कहाँ आएंगे, 3 जगह एग्जाम सेंटर आएंगे। और अब बात कर लेते हैं नई जो वैकेंसी नोटिफाई हुई है उसकी बात कर लेते हैं।
ये तेलंगाना में नोटिफाई हुई है, तेलंगाना में सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी आई है, 150 करीब वैकेंसी आई है और उसका पेपर आरजेएस के साथ क्लैश है शायद, बच्चे बता रहे थे डेट 16 जून ही है, मैंने वीडियो बना दिया उसमें, वैसे आप लोग अगर तेलंगाना साइड के हो इंटरेस्टेड हो, वैसे उसमें सिलेबस में जो प्री का सिलेबस था केवल लॉ लॉ आ रहा था, उसमें लोकल लैंग्वेज का कोई पेपर नहीं था, तो अदर स्टेट के बच्चे भी दे सकते हैं, उसमें कुछ क्वालिफिकेशन बता रखी है तो वो वीडियो देख लो, मैंने कल अपलोड किया उस वीडियो को, तो उसमें 150 वैकेंसी काफी अच्छी होती है। तेलंगाना से लोग यहाँ पे पेपर देने आ जाते हैं राजस्थान, तो आप भी जा सकते हो, बहुत आजकल क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत कम रह गई है तो आपको जाना पड़ेगा, अपने स्टेट को छोड़ के जाना पड़ेगा, स्टेट में कितनी वैकेंसी है, जो आनी थी वो आ गई सब, राजस्थान में जेएलओ थी जिसका पेपर हो गया, भूल जाओ कितने साल बाद होगा, 4-5 साल लगेंगे आराम से, एपीओ का फॉर्म भरी दिया उसका पेपर, अभी कोई आइडिया नहीं, चैनल से बने रहो मैं बता दूंगा आपको, मैंने पूछवाया था आरपीएससी में तो अभी वहां पे कोई चर्चा नहीं चल रही पेपर कराने की, इलेक्शन हो जाने दो फिर दोबारा पूछवाऊंगा मैं, और आरजेएस का आपको पता ही है 16 जून को पेपर है और अब नेक्स्ट ईयर होगा पेपर, और नेक्स्ट ईयर जल्दी हो सकता है पेपर, इस चीज का ध्यान रखना, मार्च के आसपास वापस पेपर हो सकता है, ये मत सोचना कि अब हो गया तो वापस 2-3 साल, वो तो रीजन था लॉकडाउन लग गया था, रूल्स अमेंड करने थे इसलिए टाइम लग गया इसमें, अब ऐसा नहीं होगा, वैसे आरजेएस का हर साल पेपर होता है और एमपी का भी रीजन था कि रूल्स अमेंड करने थे, इतना डिले हुआ था, एमपी का भी हर साल पेपर होता है, यही ट्रेंड रहता है, तो एमपी की वैकेंसी भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो इसमें देखो क्या हुआ है, हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना में हैदराबाद नोटिफिकेशन है 30-3, इसमें दो नोटिफिकेशन है, 30-3-2024 का है, वैकेंसी इन कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल टू बी फिल्ड इन तेलंगाना स्टेट जुडिशियल सर्विस बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर 25% कोटा ऑफ ईयर 2024, 9 वैकेंसी है, इसमें एक और नोटिफिकेशन है हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना हैदराबाद, यही है 30-3 का, वैकेंसी इन कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल टू बी फिल्ड इन तेलंगाना स्टेट जुडिशियल सर्विस बाय ट्रांसफर थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिशन एग्जामिनेशन अंडर 10% कोटा, इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर हुए, लॉ ऑफिसर हो गए, कोर्ट के स्टाफ हुए, इसमें वो अप्लाई, क्योंकि मैंने अभी फॉर्म वो देखा था ना उसका नोटिफिकेशन, सिविल जज जूनियर डिवीजन में भी तेलंगाना में ट्रांसफर वाली पोस्ट थी, उसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोर्ट स्टाफ और सेक्रेटरी स्टाफ कोर्ट का जो भी होता है वो अप्लाई कर सकते हैं जज के, तो दो अलग अलग नोटिफिकेशन आया, राजस्थान में ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता, राजस्थान में एक ही आता है, जुडिशियल ऑफिसर का भी इसमें, मतलब राजस्थान हायर जुडिशरी में एडवोकेट का भी रिजर्व होती है सीट और जुडिशियल ऑफिसर की भी रिजर्व होती है सीट, और लास्ट टाइम जो हुआ था उसमें शायद एक भी जुडिशियल ऑफिसर पास नहीं हुआ था और एडवोकेट भी 3 या 4 पास हुए थे, टोटल 80 करीब वैकेंसी आई थी, मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ, केवल मतलब 80 या 70 करीब वैकेंसी आई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसमें 3 या 4 जने ही सेलेक्ट हुए थे हायर जुडिशरी में, तो आप देख लो कितना हाई रहता है पेपर, मतलब काफी टफ रहता है पेपर, तो ठीक है भाई, वो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं बताता हूँ आपको टाइमली, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।